रेप की बढ़ती वारदातों से देश में आक्रोश है, चाहे वो दिल्ली का निर्भया कांड हो या फिर हैदराबाद का दिशा केस। हर बार सड़क पर ऐसा ही गुस्सा दिखा। गुस्सा इस बात के लिए भी है कि बलात्कार के केस में तुरंत सजा नहीं मिलती और इंसाफ के लिए कई कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि अब मोदी सरकार ने बलात्कारियों को 6 महीने में सजा दिलाने की ठानी है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बाबत सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। मोदी सरकार ने रेप के मामले में सजा में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है और इसके लिए हाई कोर्ट और राज्य सरकारों से अपील की है। सरकार ने देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा की है। अभी देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 700 है। सरकार की मंशा है कि रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस की जांच 2 महीने में पूरी हो। साथ ही ऐसे केस में 6 महीने में अदालत में ट्रायल पूरा करने की भी बात कही गई है। ये 100% सच है कि रेप के सभी मामले थाने तक नहीं पहुंचते और जो पहुंच भी जाते हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अरसे तक धूल फांकते रहते हैं। NCRB के आंकड़े के मुताबिक साल 2017 में देश में रेप के 32,559 केस दर्ज हुए। 2017 तक अदालतों में 1,46,201 रेप केस ट्रायल के लिए लंबित थे। एक साल से कोर्ट में ट्रायल के लिए 1,17,451 रेप केस पेंडिंग थे। साल 2017 में रेप के 28,750 मामलों में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। वहीं कोर्ट में सुनवाई के लिए रेप के लंबित केस की तादाद 2017 तक 1,27,868 आंकी गई थी। आंकड़े बताते हैं कि रेप केस में इंसाफ के लिए इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे भी कहा गया है कि देर से मिला इंसाफ एक तरह से ना इंसाफी ही है। ऐसे में जरूरी है कि रेप जैसे संगीन अपराधों की जांच में पुलिस देरी न करे और अदालतें सुनवाई से लेकर ट्रायल तक में तेजी दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।